आज पूरा देश शुभ है, आज पूरे देश में रोष है, आज पूरा देश शोकाकुल है। भारत चीन सीमा पर, भारत के क्षेत्र के अंदर तथा कथित तौर से चीन की सेना के द्वारा हमारे उच्च सैन्य अधिकारियों और हमारे बहादुर और जाबाज जवानों के हताहत होने की खबरों ने पूरे देश को गंभीर पीड़ा के माहौल, गमगीन माहौल हमारे देश के अंदर दिया है। वाकई में हुआ क्या, स्थिति है क्या, क्या चीनी सेना ने हमला बोलकर हमारे उच्च सैन्य अधिकारियों और हमारे बहादुर और जाबाज सैनिकों को हताहत किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लिखो और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ तो सिंह जी मौन क्यों हैं? उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? देश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी को आगे बढ़ देश के सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, क्या ये सत्य है कि चीनी सेना ने गलवान वैली लद्दाख में भारतीय सेना के बहादुर उच्च सैन्य अधिकारी व हमारे जवानों को हताहत किया है? क्या ये सही है कि भारतीय सेना के अधिकारी और जवान कई गंभीर रूप से घायल हैं? अगर ये सही है तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? वो देश से ये बात साझा करने से कतरा क्यों रहे हैं? दूसरी बात, अप्रैल और मई 2020 से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि लद्दाख में तीन जगह पेनगोंग सो लेक इलाके में, गलवान वैली में और हॉट स्प्रिंग्स में चीन ने भारतीय सीमा पर, हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है, परंतु प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने लगातार इस मामले पर सार्वजनिक तौर से बोलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, क्या आज आप देश को सामने आकर बताएंगे कि क्या ये बात सही है कि चीन ने तीन जगह भारत की सर जमीन पर कब्जा कर लिया है? अगर हाँ तो जवाब दीजिए और अगर ना तो भी जवाब दीजिए। तीसरी बात, तथा कथित तरीके से अगर ये वाकया कल रात को हुआ जिसमें हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, तो इस मामले को कल रात से आज 12:52 दोपहर तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और वो बयान जो आर्मी के हवाले से टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है 12:52 का, उसे 16 मिनट बाद 1:08 पर क्यों बदल दिया गया? मोदी जी और रक्षा मंत्री जी बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है। और नंबर 4, अगर ये सही है कि गलवान वैली में चीन अपनी सेना पीछे हटाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओरिजिनल पोजीशन पर जा रहा था, तो फिर हमारी सेनाओं में झड़प होने का कोई कारण था ही नहीं। तो ऐसे में हमारी सेना के उच्च सैन्य अधिकारी और सैनिक वीरगति को कैसे और किस परिस्थिति में वीरगति को प्राप्त हुए, इसके बारे में आगे बढ़कर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को बताएं। और 5वीं और आखिरी सवाल देश का, प्रधानमंत्री जी देश को ये भी बताएं कि ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी भूभागीय अखंडता दोनों को लगता है कि चीन के द्वारा चुनौती दी जा रही है जैसा खबरों से लग रहा है, तो इस गंभीर स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की भूभागीय अखंडता की रक्षा करने के बारे प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की नीति क्या है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं ये कहूंगा कि देश की सुरक्षा और देश की अखंडता को लेकर पूरा देश 130 करोड़ लोग एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, और उनमें कहीं शक शुभा की जरूरत नहीं। पर सरकारें, खास तौर से चुनी हुई सरकारें, गोपनीयता के आधार पर, सीक्रेसी के आधार पर नहीं चली चल सकती, और इसलिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सामने आकर देश को पूरी बात बताएं, देश को विश्वास में लें और पूरी बात देश से साझा करें। सर, धन्यवाद। विदेश नीति की बड़ी विफलता माने कि पड़ोसी देशों से रिलेशन अच्छे? मुझे लगता है कि इससे अधिक आज की इस विकट परिस्थिति में, जब देश के ऊपर संकट की स्थिति है, और कुछ कहना उचित नहीं होगा। धन्यवाद सर। पेट्रोल